नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज मैं आपकी एक बड़ी परेशानी को सॉल्व करने वाला हूं। मेरे पास कमेंट आया अभी कि सर LVDS का कोई अच्छा वीडियो बनाइए जिसमें सभी तरह के LVDS की नॉलेज हो। तो आज मैं आप सबकी डिमांड पर एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें सभी तरह के LVDS मैंने लाइन से लगा कर उनका आपको नॉलेज दिया है, और उसके बाद फिर मैं कनेक्टर की नॉलेज भी दूंगा कि किस तरह का कनेक्टर हमें किस काम में यूज करना होता है, कौन सा FFC बेल्ट कैसे यूज करना है, कौन सा LVDS केबल कितने तरह के होते हैं, FFC बेल्ट कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी नॉलेज आज आपको मिलने वाली है। तो आज का वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपको LCD LED की रिपेयरिंग में बहुत काम आएगा। LVDS कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, देखिए दोस्तों, आज आपको LVDS की पूरी जानकारी देता हूँ। कितने तरह के LVDS मार्केट में अवेलेबल हैं, देखिए, एक ये है, इसमें लेफ़्ट साइड में रेड वायर है, 5 पेयर हैं, यानी लेफ्ट साइड, इसे हम कहेंगे LG सप्लाई 5 पेयर, यानी HD रेडी, LG सप्लाई HD रेडी LVDS। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, ये देखिए, इसमें राइट साइड में सप्लाई है, तो इसे हम कहेंगे सैमसंग सप्लाई, 5 पेयर हैं, 1, 2, 3, 4, 5 5 पेयर हैं, तो ये भी HD रेडी हुआ। HD रेडी में ये हुआ LG सप्लाई और ये हुआ सैमसंग सप्लाई, देखिए अंतर आपको पता लग गया होगा। अब मैं अगला दिखाता हूँ आपको, देखिए ये, देखिए ये कौन सा हुआ, सैमसंग सप्लाई, लेकिन 5 की जगह इसमें 10 पेयर हैं, तो ये 10 पेयर से हुआ फुल HD, सैमसंग सप्लाई फुल HD का LVDS। इसी में अगर सप्लाई इस साइड होगी तो LG सप्लाई फुल HD कहलाएगा। अब आपको एक और स्पेशल LVDS दिखाता हूँ, देखिए ये है LG सप्लाई का 5 पेयर वाला, यानी HD रेडी। अब पीछे तो इनमें इस तरह के कनेक्टर आते हैं, ये देखिए मैं दिखाता हूँ ये, लेकिन इसमें पीछे FFC बेल्ट है, ये देखिए मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाता हूँ, इस तरह से ये होता है, तो एक साइड इसमें FFC बेल्ट और दूसरी साइड LVDS, यानी किसी सेट में एक साइड FFC लगता है, मान लीजिए सैमसंग का सेट है, LG का सेट है, और पैनल में ये लगाना है, तो इसके लिए ये कंपनी ने बना कर दिया है। ये चाइना वाले कोरोना भी देते हैं और वैक्सीन भी देते हैं। अब मैं अगला दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये 5 पेयर हैं, LG सप्लाई है, लेकिन ये कनेक्टर इसका अलग है। अभी तक हमने वाइट कनेक्टर देखे, अब ये ब्लैक कनेक्टर में आया, तो 5 पेयर नहीं, ये 10 पेयर हैं, देखिए 10 पेयर और LG सप्लाई। तो इस तरह के कनेक्टर को हम सोनी कनेक्टर कहते हैं, तो इसका नाम हुआ सोनी कनेक्टर LG सप्लाई फुल HD LVDS। आप इन चीज़ों को नोट करके रखिए, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ आज मैं। अगला दिखाता हूँ, देखिए इसी का दूसरा भाई, ये देखिए इसमें यहाँ सप्लाई है, तो ये सैमसंग सप्लाई सोनी कनेक्टर फुल HD, LG सप्लाई सोनी कनेक्टर फुल HD। अब अगला दिखाता हूँ आपको, अब हम थोड़ा सा अलग आए, देखिए अभी तक हम किसी भी LVDS को देखने का तरीका ये जानते थे कि इस साइड तो पिने नहीं हैं, इस साइड पिने हैं, इसमें पिने ऊपर की साइड करके वायर नीचे करके हमें लेफ्ट और राइट देखना होता है, लेकिन इस तरह के जो LVDS आते हैं वो ऐसे ना लगते हुए ऐसे लगते हैं, तो हमें इसमें उल्टा देखना है। अगर राइट साइड में सप्लाई है तो ये LG सप्लाई है, लेफ्ट साइड की सैमसंग सप्लाई है, इसे हम ऐसे करके लगाते हैं, तो आप LG और सैमसंग समझ गए होंगे कौन सा होता है। अब मैं अगला दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये सोनी कनेक्टर है, सोनी कनेक्टर में 10 पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये लेफ्ट में सप्लाई है, लेकिन ये भी ऐसे ही लगेगा, तो ये सैमसंग सप्लाई हुई 10 पेयर, यानी फुल HD सोनी कनेक्टर। अगला दिखाता हूँ,
इस तरह का एफएफसी बेल्ट अगर आपके सामने आए, देखिए एक एफएफसी बेल्ट तो ऐसा होता है जिसमें एक साइड कनेक्टर और दूसरी साइड प्लेन होता है। तो देखिए इसमें इस साइड कनेक्टर है और इस साइड प्लेन है, इसका कनेक्टर इस साइड होगा। तो ये उल्टा सीधा वाला कनेक्टर, ये एक होता है सीधा सीधा वाला। उसके अलावा एक और दिखाता हूँ आपको, जो सोनी में सैमसंग में लगता है इस तरह के कनेक्टर, फुल एचडी में लगता है ये कनेक्टर, ये एफएफसी बेल्ट है। इसके बाद एक इस तरह का एफएफसी बेल्ट आता है, ये छोटा सा होता है, लंबे भी होते हैं इसमें, लेकिन एक साइड पिन है ये देखिए और एक साइड बिना पिन का। अगला दिखाता हूँ, ये इस तरह का भी आता है फुल एचडी वाला। तो इस तरह का भी आप एलवीडीएस कनेक्टर ले सकते हैं। और अगला दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें दोनों साइड कनेक्टर हैं, एक प्लेन देखा हमने उसके बाद ये दोनों साइड कनेक्टर वाला देखा। अब और अगला दिखाता हूँ, अब अगला आया एक साइड कनेक्टर और दूसरी साइड प्लेन, इस तरह का हो सकता है। अब आपको एक जुगाड़ बताता हूँ दोस्तों, अगर किसी एफएफसी में दोनों साइड कनेक्टर हो, आपको सिंगल साइडेड चाहिए तो एक साइड का कनेक्टर निकाल दीजिए, सिंगल साइडेड बन गया। प्लेन चाहिए दोनों साइड तो दोनों साइड का कनेक्टर निकाल सकते हैं, हम जैसे चाहें इसको बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अब अगला दिखाता हूँ आपको, ये देखिए एक साइड इसमें प्लेन और दूसरी साइड कनेक्टर, इसमें भी वही कर सकते हैं, इस कनेक्टर को हम निकाल सकते हैं, दोनों साइड प्लेन पत्ता करके लगा सकते हैं। और अगला दिखाता हूँ, ये देखिए दोनों साइड से सीधा, एक साइड प्लेन और दूसरी साइड कनेक्टर, लेकिन सीधा सीधा है दोनों साइड से, ये भी सीधा सीधा है लेकिन दोनों साइड प्लेन है, इसमें कोई कनेक्टर नहीं है। ये मिनी एफएफसी बेल्ट है जो टिकोन में लगता है, फुल एचडी का कनेक्टर है। ये देखिए इस तरह के कनेक्टर हमें लेकर रखना है अगर काम करना है तो। ये चौड़ा वाला कनेक्टर है, देखिए इस तरह के कनेक्टर बहुत ही रेयर केस में आते हैं, लेकिन जिस दिन आ गया उस दिन इसके बिना काम नहीं बनता। एक ये इस तरह का कनेक्टर है, ये एफएफसी बेल्ट है जो मिनी एफएफसी कहलाता है। इस तरह का एफएफसी भी हमें रखना है दोनों साइड से प्लेन। और आगे दिखाता हूँ, देखिए अब इन कनेक्टर्स के बारे में आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास इस तरह का एफएफसी बेल्ट है, अब इसको छोटे बेल्ट में कन्वर्ट करना है। अगर सैमसंग का सेट है, एमआई का पैनल है, तो सैमसंग के मदरबोर्ड से एमआई का पैनल कैसे बनाएं? तो इस बेल्ट को यहाँ लगाइए और यहाँ से ये पतला बेल्ट लगाइए और पैनल में लगा दीजिए, देखिए कितनी अच्छी जुगाड़ है। इसी तरह से एक और आता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सैमसंग से बीओई, अगर इस तरह का कनेक्टर है और दूसरी साइड सप्लाई है, इस साइड का सैमसंग से बीओई बनाना है तो ये कनेक्टर का यूज कीजिए। इसके बाद आता है सोनी से सैमसंग करना है, अगर सोनी का सेट है, पैनल आईडी की प्रॉब्लम आ रही है तो आप पैनल आईडी भी इससे मैच करा सकते हैं, सोनी से बीओई बना सकते हैं, इसमें मेमोरी आईसी लगाइए, यहाँ से इसको कन्वर्ट कीजिए, बड़ा आसान होता है दोस्तों। और दिखाता हूँ आपको, सोनी से एमआई बनाना है तो ये सोनी का यहाँ से एफएफसी बेल्ट लगाइए, यहाँ इसमें उसकी मेमोरी आईसी लगा दीजिए एससीएल एचडीए वाली, और यहाँ से एफएफसी बेल्ट लगा दीजिए, कहीं कोई सप्लाई लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये पैनल आईडी का काम भी करता है, बड़ा आसान है इसको बनाना। अब सोनी से बीओई बनाना है तो इसका उपयोग कीजिए, एलजी से सैमसंग बनाना है तो इसका उपयोग कीजिए। एलजी से सैमसंग अगर कनेक्टर से एफएफसी बेल्ट बनाना है तो इसका उपयोग कर सकते हैं, एक इस तरह का भी आता है एलजी टू सैमसंग, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से सैमसंग टू बीओई, इस तरह का भी आता है, इनका भी उपयोग आप कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और छोटे छोटे कनेक्टर होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसको मैंने हटाया, ये देखिए कितना यूनिक पार्ट है ये, यहाँ आप कनेक्टर लगाइए और इस साइड से एफएफसी बेल्ट बनाइए, कनेक्टर टू एफएफसी। और दूसरा ये देखिए, ये चौड़े कनेक्टर से एमआई का कनेक्टर, ये देखिए
इस कनेक्टर, ये सोनी कनेक्टर से इस तरह का कनेक्टर हमारा बन जाएगा, ये बनाने का तरीका भी आपने जान लिया होगा। और सबसे अंत में आपको एक विशेष चीज़ दिखाऊंगा दोस्तों, ये क्या है, ये देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर 2K पैनल है या 2K मदरबोर्ड है और पैनल हमारा 4K है, तो 4K मदरबोर्ड में 2K पैनल, 4K पैनल में 2K मदरबोर्ड कैसे लगाएं? तो देखिए, 2K मदरबोर्ड को फुल HD पर कर लीजिए, यहाँ LVDS लगेगा, ये लिखा है LVDS, और ये इनको कन्वर्ट कर देगा V/1 सिग्नल में। ये देखिए, यहाँ से V/1 केबल लगाइए और 4K पैनल में लगा दीजिए, हो गया ना काम। 2K मदरबोर्ड को हमने 4K में कन्वर्ट कर दिया। तो इतने सारे जुगाड़, ये सब कुछ हमारे पास होने चाहिए, तब हम LED के काम में जीत हासिल कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप सभी ने ये वीडियो देख लिया होगा और ये LVDS का पूरा सिस्टम समझ लिया होगा। बस इस तरह से मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए, मैं इसी तरह के और वीडियो लेकर आपके बीच आता रहूँगा। अगर आपको इसी तरह की लाइव ट्रेनिंग लेनी है तो हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। 16 मार्च को हमारा ऑफलाइन का नया सेमिनार शुरू हो रहा है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी 3 सीटें बची हुई हैं, अगर आप चाहें तो इसमें अपनी सीट बुक करा सकते हैं। 7 दिन की ट्रेनिंग आपकी लाइफ को चेंज करने वाली है, ये हम आपको गारंटी देते हैं। 7 दिन आपको एकदम लाइव ट्रेनिंग देंगे, हर फॉल्ट की, हर सॉल्यूशन की। LCD LED में कौन सा फॉल्ट कैसे होता है, क्या सॉल्यूशन कैसे किया जाए, मदरबोर्ड हो, चाहे पावर सप्लाई हो, चाहे पैनल हो, चाहे बैकलाइट हो, कुछ भी हो, A to Z सारी नॉलेज आपको मिलेगी। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट बुक कर सकते हैं। 7 दिन रहने खाने की सारी व्यवस्था होती है। और अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कीजिए, हर महीने की 1 तारीख को शुरू होता है हमारा नया सेमिनार। 1 महीने का क्लास आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। हर रोज रात्रि 9 से 10 क्लास होती है और इसी महीने की 20 तारीख को हमारा एक डेमो क्लासेज का सेशन शुरू होगा, 5 दिन चलेगा, 20 से 24 तक, जिसमें आपको हमारी ट्रेनिंग देने की क्वालिटी का अंदाज़ा लग जाएगा। तो अगर किसी को डेमो क्लास में ऐड होना हो तो मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना नंबर, अपना नाम लिखा सकते हैं, हम उन्हें डेमो क्लास में ऐड कर देंगे। और 20 तारीख को रात्रि 8 से 9 डेमो क्लासेज होंगे, तो जिन्हें अटेंड कीजिए आप। और उसके बाद रेगुलर क्लास में अगर एडमिशन लेना है तो 1 तारीख को मिलिए, डेमो क्लास टोटल फ्री होते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।